हाय एवरीवन, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमारा ईवीएस का 5वां लेक्चर है। हम लोग डेली मिल रहे हैं और टाइमिंग मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हमारा टाइमिंग है डेली, आज लाइट नहीं थी दिन भर से, इसलिए हो नहीं पाया। हम लोग ईवीएस का 7:30 टू 8:30 के बीच में डेली शाम में पीएम, तो डेली ईवीएस के लेक्चर ले रहे हैं हम लोग, विद पेपर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं आराम से। आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको 30 में से 30 मार्क्स मिलेंगे इसमें से, या फिर बहुत कम भी मिले तो आपको 28 तो मिलने ही मिलना है, 28। और कितना भी एवरेज स्टूडेंट रहा तो 25 के ऊपर ही जाएगा। आप सिर्फ कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए मुझे, मैं सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट में बताइए, मैं उसको भी फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। हम लोग एनिमल का चैप्टर, एनिमल्स कल देख चुके हैं बहुत सारे। नीचे जाइए, जो नए बच्चे हैं प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले के सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ध्यान से आराम से उतना ही कीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 30 में से 30 की आपको गारंटी है। उसके अलावा थोड़ा सा आपको कुछ सोचना ही देता हूँ मैं। हम लोग नई नई सितंबर में नई बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, सितंबर में एग्ज़ाम होने के बाद में, दिसंबर में एग्ज़ाम हो जो CTT होंगे उसके लिए भी, और महाTT जो होने वाली है इस साल उसके लिए भी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। दोनों ही रहेंगे, ऑनलाइन भी रहेंगे और ऑफलाइन भी रहेंगे। काफ़ी कुछ कराते हैं हम लोग, अच्छे रिजल्ट है हमारे, लगभग बच्चे पास होते हैं, बहुत ना के बराबर बच्चे जो निकल नहीं पाते, सभी होते हैं। ये बैचेज है ना उर्दू और इंग्लिश मीडियम की स्पेशली रहेंगे, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चे स्पेशली रहेंगे यहाँ पर, तो ध्यान रखें मराठी मीडियम की क्लासेस नहीं होगी। CTET इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है तो कोई दिक्कत नहीं। जिसको ऑफलाइन जो ज्वाइन करना है वो यहाँ पर एड्रेस है यहाँ पर औरंगाबाद में। उसके अलावा जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं ये नंबर पर कॉल कीजिए, आप लोग इंक्वायरी कीजिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम लोग एनिमल देख रहे थे, कुछ एनिमल के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको अर्थ फॉर्म के बारे में बताऊंगा। अर्थ फॉर्म जिसको हम फार्मर फ्रेंड्स भी बोलते हैं, तो समझते हैं। देखो ये इमेजेस दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर रेड कलर में, ये अर्थ फॉर्म के ये इमेजेस आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, इतने छोटे नहीं आते, अर्थ फॉर्म आते। अर्थ फॉर्म क्या करते हैं ना, जनरली क्या करते हैं, फार्म में, फील्ड में या फिर खेत में, फील्ड में क्या करते हैं, अपने होल करके रहते हैं अंदर जमीन में, क्या करेंगे, होल करेंगे अंदर, या फिर इसको ट्यूनल भी बोलते हैं, अंदर ट्यूनल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे और उसमें रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबी गहरी ट्यूनल नहीं बनाते, ऊपर ही ऊपर ही रहती है इस तरह। ये है भी इतने बड़े नहीं कि बड़ी सुरंग बनाए अंदर। अब उसकी वजह से क्या होता है, ये मिट्टी बाहर निकालते हैं, और ये मिट्टी क्या होती है, इसकी वजह से सॉइल क्या होती है, लूजन होती है। सॉइल क्या होती है, लूजन, लूजन हो जाती, ढीली हो जाती बोलते हैं हम लोग इसको। ढीली होने की वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, एयर परकुलेट होती है। जब सॉइल लूज होंगी तो इसमें से क्या होंगी, एयर परकुलेट होंगी अंदर, एयर और उसके साथ साथ वाटर भी अंदर जाता, पानी भी अंदर जाता है, ये दोनों अंदर परकुलेट होती है हवा के अंदर। जैसे एयर अंदर जाती जमीन में, तो जमीन में बहुत सारी माइक्रो बायोलॉजिकल प्रोसेस चालू हो जाती है, माइक्रो बायोलॉजिकल प्रोसेस, माइक्रो केमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस अंदर जमीन में। यहाँ पर जैसे अंदर हवा जाएंगी तो सबसे पहले चीज होगी कि यहाँ पर अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जिनको ग्रो होना है, तो वो क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ जाएंगी। उसमें ज़्यादातर अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जैसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसी बैक्टीरिया रहती है जैसे राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, फिर इनकी ग्रोथ होगी और दूसरे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनकी भी ग्रोथ होगी। तो दो तीन एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हवा में से नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे हवा से जमीन के अंदर में, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन मिलेगा प्लांट्स को। जैसे हम लोग प्रोटीन का सोर्स कहते हैं इसको, नाइट्रोजन को, तो प्लांट्स को क्या करेगा, नाइट्रोजन बेस्ड बहुत सारा सोर्स मिलेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में जमीन में। उसके अलावा क्या होता, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अंदर बहुत सारा कूड़ा कचरा बोलते हैं हम जिसको, जिसको माइनर बोलते हैं, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं, अंदर जमीन के अंदर जो ऑलरेडी पड़ा होता है। जैसे अंदर ऑक्सीजन और पानी, थोड़ा पानी गया अंदर या ऑक्सीजन भी गया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डीकम्पोज करना शुरू करते हैं जमीन के अंदर में। तो उससे क्या होता, फिर डीकम्पोजिशन की वजह से क्या होता, अंदर जो पड़ा हुआ वेस्ट वो सड़ जाता है और उससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जमीन में ऑलरेडी तैयार होता है। तो सॉइल, अर्थवर्म के सॉइल इस तरह लूज करने से इतने सारे फायदे होते हैं। अंदर एयर जाने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, जिसमें बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करते हैं। उसके साथ साथ और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको डीकम्पोज करते हैं और उसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार होता है जमीन में। ठीक है, तो ये सॉइल को लूज करने की वजह से इतने सारे फायदे होते हैं फार्मर्स को। उसके बाद में ये क्या करता है, यहाँ पर ये अर्थवर्म क्या करेंगे, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये क्या करेगा, उसको खा लेगा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खा लेगा। ये डेड जो कूड़ा कचरा पड़ा होता है ना, डेड, हाँ डेड, जैसे ग्रास है ना, ग्रास है, जिसको हम वीड बोलते हैं, वीड, तो वीड खड़ी है, हरी है, इसको नहीं खाएगा वो। अगर ये कटके गिर गई और ये डेड होगी, मतलब इसकी मर गई मान ले, तो कटके नीचे गिर गई कोई भी शक्ल में, तब उसको खाएगा, डेड को खाता, डेड। अगर कोई चीज लाइव है, कोई घास अगर जिंदा है, हरा भरा है, उसको नहीं खाएगा, याद रखो। तो अब जो ये ऊपर जो वेस्ट पड़ेगा उसको भी खा लेगा, तो और फिर खा के क्या करेगा, जमीन में फिर उसका जो विष्ठा है ना, वो जमीन में छोड़ेगा, उससे और फर्टिलाइजर बढ़ेगा जमीन में। तो इतने सारी चीजों की वजह से फार्मर को बहुत सारी इससे हेल्प होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर्स, फार्मर की स्पेलिंग गलत होगी, फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं, कुछ छुट्टा होगा तो बताता हूँ आपको। पहला है, द अर्थवर्म इज रेडिश, इसके कलर पे कोई पूछेंगे नहीं आपको सवाल, जो मैंने ऊपर लिखा है वही पूछेंगे। रेड ब्राउनिश, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले, और इनवर्टेब्रेट है, इनमें वर्टेब्रा कॉलोनी नहीं होता। दे इनहेबिटेड इन द अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल, मतलब सॉइल के ऊपर की लेवल में होल करके ट्यूनल बना के रहते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम दे लिव इन द बरो, बरोज मेड बाय द बोरिंग, बोरिंग मतलब गड्ढे करना, और स्वेलिंग द सॉइल, सॉइल को क्या करते हैं फिर इस तरह करते हैं, इसको स्वेलिंग सॉइल बोलते हैं जनरली, जिसको लूजन बोलते हैं, है ना। तो ये ट्यूनल बना के रहते हैं अंदर जमीन में, ट्यूनल जो मैंने आपको समझाया वो। उसके बाद में ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड फर्टिलाइजर सॉइल, ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो वेस्ट पड़ता है डेड, उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, वही डीकम्पोस्ट को खा लेते एक तरह का, उसकी वजह से सॉइल को फर्टिलिटी मिलती। उसके बाद में अर्थवर्म इट कैन बी यूज फॉर फिशिंग फूड एंड कम्पोस्ट, वो फिशिंग के लिए यूज होता है। खैर हमारा टॉपिक ही इतना, जो ऊपर मैंने बातें समझाई वही समझ लो, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आपको कुछ, अगले टॉपिक पे जाते हैं हम लोग। ये कुछ यूज है अर्थवर्म के, वही वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं अपने, मतलब क्या होता है कि आप बहुत सारा ढेर सारा एक जगह वेस्ट है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट जमा करेंगे, कूड़ा कचरा सारा शहरों का पूरा कचरा जमा होकर आता, और इसमें अर्थवर्म को छोड़ देते अंदर, तो वो क्या करेंगे, उसको डीकम्पोज कर देता पूरा उसको, और उसका खाद बनाता, फर्टिलाइजर मिलता, वो एक इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज होता है, और उसको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ सारी चीज। उसके बाद में स्नेक से आते हैं, इंडिया में कौन से पॉइजनस स्नेक है उनके बारे में पूछता है। तो ये चार टाइप के आपके सामने यही देख लो, है ना, ये चार टाइप के जो स्नेक है हमारे पास में, ये पॉइजनस स्नेक है चारों के चारों, है ना। जैसे पहले नंबर पे कोबरा है ना, ये देखो कोबरा, ये वाला, ये जहरीला सांप है इंडिया का, सबसे ज्यादा जहरीला यीच है इंडिया में, है ना, और दुनिया में इनलैंड टाइफून बोल के नीचे नाम दिया है, मैं बताता हूँ। उसके बाद में कॉमन क्रेट, ये भी क्या है, पॉइजनस है। उसके बाद में आता है रसेल वाइपर और सो स्केल वाइपर, ये चारों ही क्या है, पॉइजनस सांप है, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर और सो स्केल वाइपर, तो ये चारों क्या है, पॉइजनस स्नेक इंडिया में पाए जाते हैं। नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एक से दो बार पढ़ लो या किसी तरह रटा लो उसको, कोई भी अलग अलग नाम से।
प्याजे को इस्तेमाल में लेके आओ थोड़ा। कोबरा, कॉमन क्रेड, रसल वाइपर एंड सोर्सलेस। अब पॉइजनस कौन सा? नहीं तो इंडियन रॉक पाइथन, ये वाला पॉइजनस नहीं है, इस पे पहले चुके सवाल पूछ चुका है, तो ये वाला पॉइजनस नहीं है, इंडियन रॉक पाइथन ये जहरीला नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दुनिया में सबसे जहरीला कौन सा है उस पर भी सवाल पूछेंगे आपको, वो है इनलैंड टाइफून, नीचे नाम दिया हुआ उसका। देखो ये इमेज ऐसे कुछ, ये ऊपर आपको इंडियन टाइफून दिख रहा, वर्ल्ड्स हाई, ये वाला इंडियन टाइफून है, ये वाला ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, इसको बोलते हैं इनलैंड टाइफून, मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद में सांप को ना, देखो आपको मालूम है सांप को आगे से दो फंक्स रहते, फंक्स दांत टीथ फंक्स, जिससे वो क्या करता बाइट करता, आप काट लेता हमको, वो फंक्स हमारी बॉडी में एंटर हुए ना तो क्या होता पूरा पॉइजन हमारी बॉडी में फैल जाता है, तो वो जो दांत आगे के दो दांत होते हैं उसको फंक्स बोलते हैं, तो इतना याद रखो फंक्स जिससे वो काटता, इधर इमेज में नहीं है। मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट मेड फ्रॉम द स्नेक ऑफ पॉइजन, उसके जहर से ही उसका इलाज किया जाता, उससे उसकी दवा बनाई जाती है, उसके जहर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, चारों तरफ अवेलेबल है, ये पुरानी बात थी आज से 10 साल पहले सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता था, अब सारी जगह मौजूद है, टेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद में आता स्नेक चार्मर सपेरा, जिसको कलबेलिया बोलते हैं कर्नाटक भाषा में, कन्नड़ भाषा में कलबेलिया है ना, कलबेलिया। स्नेक चार्मर रिकॉग्नाइज बाइट बाय स्नेक बाइट बाय बाइट मार्क, जो निशान होती है सांप के काटने की वो उससे पहचान लेता कि जहरीला सांप है नहीं है, सांप ने काटा या नहीं काटा, ठीक है, तो वो समझ में आता है। स्नेक चार्मर कलेक्ट एंड मेक मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट, है ना, ये जो स्नेक चार्मर जो सपेरे देते ना चार्मर, तो ये क्या करते हैं सांप की दवा तो रहती ही इनके पास में, और भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखते अपने साथ में, और लोगों को मुख्तलिफ लोगों को अगर बीमारी हुई बुखार आया कुछ आया तो उनके पास आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है। उसके बाद में स्नेक हेल्प टू द फार्मर टू दे ईट रैट इन फील्ड, तो ये याद रखो स्नेक को भी फार्मर फ्रेंड्स ही बोलते हैं, क्योंकि वो खेत में के जो चूहे है रैट है उनको खा लेता, क्योंकि चूहे बहुत नुकसान करते खेत में, मेरे खुद के खेत में देखो मेज बहुत सारी खा लेते मक्का है ना, पहले जिंजर हमारे खेत की तो आधी वही खा ले रहे थे चूहे अंदर से, तो बहुत नुकसान करते चूहे, तो फिर ये साफ क्या करते उनको खा लेते, तो एक तरह का किसानों को हेल्प प्रोवाइड करते। ये कुछ एनिमल्स के स्लीपिंग आर्ट्स है, अभी नहीं पूछता इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको एक बार इसको पॉज करके देख के रट लेना, ठीक है। एनिमल को डेंजर किस किस का है तो थोड़ा बताता मैं आपको, देखो टाइगर है ना तो उसकी ये डेंजर ऑफ एनिमल्स देखते हैं हम लोग, ये टाइगर की खासियत बता रही जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो टाइगर के लिए, टाइगर किसके लिए किल गया था, उसकी स्किन के लिए है ना, टाइगर की स्किन के लिए उसको शिकार किया जाता है ना, उसको हंडिंग की जाती है। उसके बाद में एलिफेंट जो रहता है उसके जो बाहर के जो दांत रहते हैं जिसको बोलते हैं टस्क, उसके लिए लोग शिकार करते हैं उसका, और राइनोसॉर के लिए किसके लिए, जिसको वो जो वन हॉर्न होता है ना उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में टाइगर क्रोकोडाइल और स्नेक इनका स्किन के लिए करते, मस्क डीर, डीर के अंदर में खुशबूदार आइटम आता है जिसको बोलते हैं मस्क, मस्क जो बहुत बहुत खुशबू आती है उससे, उसके लिए लोग क्या करते शिकार करते हरे इसका डीर का, ठीक है। उसके बाद में जिम कॉर्बेट है नेशनल पार्क्स, इसके बारे में मैं आपको, नेशनल पार्क्स एक टॉपिक है वहां पर डिटेल में सारे नेशनल पार्क्स के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, फिर भी यहाँ है तो जिम नेशनल पार्क के बारे में समझो, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, और वो टाइगर के लिए रिजर्व है, किसके लिए टाइगर के लिए रिजर्व है। जिम कॉर्बेट ना पहला नेशनल पार्क है इंडिया का जो 1936 में बनाया गया था, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इसलिए याद रखो कि टाइगर के लिए रिजर्व है और पहला नेशनल पार्क है। उसके बाद में घाना नेशनल पार्क है जिसको भरत नेशनल पार्क भी बोलते हैं, या फिर कोयला देव, केव लाओ लेव देव, तो ये नाम है उसका, तीन नाम है इसके, एक तो घाना नेशनल पार्क बोलेंगे उसको, या भरतपुर नेशनल पार्क बोलेंगे, या फिर केवलादेव नेशनल पार्क बोलेंगे जो कि राजस्थान में है, याद रखो, फिर बार बार सवाल पूछता क्योंकि राजस्थान डेजर्ट इलाका है, वहां पर कैसा नेशनल पार्क हो सकता कोई, ऐसा दिमाग में आता बच्चों के, हालांकि वहां पर ऑलरेडी क्या है नेशनल पार्क है, ठीक है। नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में बाद में समझाऊंगा। ये कुछ एनिमल्स है जिनके एयर दिखाई देते वो है, और बहुत सारे ऐसे जिनके दिखाई नहीं देते, बहुत फैक्चुअल डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट मारो आराम से और आराम से देख लो एक एक बार कौन से किसके क्या रहते हैं, हमको पता ही है, जनरल चीजें बहुत जनरल है,
तो मैं आपको बताऊँ, उससे पहले क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट मारो। आपको सवाल पूछ लेता है इसमें, किसके बाहर दिखाई देते हैं, किसके छोटे हैं, किसके इंसान जैसे हैं, किसके एलिफेंट जैसे हैं, तो वगैरह वगैरह। तो थोड़ा देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, और स्क्रीनशॉट मारने के बाद में पढ़ इसको देख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस पे जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एन एनिमल हुज सेंस ऑफ हेयरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट ऑफ द डिफरेंट बिटवीन द रस्लिंग ऑफ ल्यूज एंड साउंड ऑफ द एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। क्या बड़ा, सिलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग एनिमल हुज, मतलब वो एनिमल सिलेक्ट करना है आपको जो दुनिया का सबसे सेंसिटिव एनिमल है ना, जो बहुत सारी चीजें सेंस कर लेता, मतलब शार्प है। वो ये भी समझ लेता कि पत्तों की सलसलाहट कौन सी है, और कोई एनिमल अगर मूव कर रहा घास पे से तो वो उसकी आहट भी समझ लेता, और वो आपको मालूम है टाइगर, दुनिया का सबसे अलर्ट एनिमल टाइगर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑल पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से पॉइजनस स्नेक पाए जाते हैं वो पूछ रहा हूं। तो इंडियन रैट स्नेक नाम इन दिया से, यहाँ पे कोबरा है, पाइथन जो पॉइजनस नहीं है, कोबरा, कॉमन कीरेट, रसेल वाइपर एंड सैंड बो, ये नहीं है इसलिए निकल गया। कोबरा है, कॉमन क्रेथ है, रसेल वाइपर है, सो स्केल वाइपर है, ये चारों ही है जिस पे सवाल पूछता। तो राइट आंसर आपका ये वाला है। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम लोग। ये पूछता, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ टाइगर डू नॉट हेल्प, मतलब टाइगर को हेल्प नहीं करता, काहे के लिए, टू मेक डार्क एंड फाइंड द प्रे, मतलब हमला करने के लिए, प्रे मतलब शिकार उसका है ना, जिसके लिए वो शिकार उसका टाइगर का, तो कौन सी चीज हेल्प नहीं करती बोल रहे हो टाइगर को। तो उसकी विस्का जो सेंसिटिव है वो बहुत हेल्प करती, इसकी वजह से बहुत कुछ समझ लेता। क्या बोल रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ एयर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी हेल्प करती। लाउड रोरिंग, ये हेल्प नहीं करती, अगर धाड़ मारेगा तो जो शिकार है भाग जाएगा ना, तो ये हेल्प नहीं करती, इसलिए राइट आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग एलिफेंट, तो एलिफेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है नीचे दिए गए ऑप्शन में से, वो हमको देखना है। तो देखते हम लोग कौन सा है। तो पहला एनिमल है एन एलिफेंट हार्ट हैज ओनली फीमेल एलिफेंट एंड बेबी एलिफेंट, तो ये बात सही है, इसमें सिर्फ फीमेल एलिफेंट ही होते हैं हर्ड में, जो हर्ड होता है उनका, उसमें अगर मेल एलिफेंट रहेंगे तो वो बेबी रहेंगे, बेबी एलिफेंट रहेंगे अगर मेल है तो। मैं तो मोस्टली कह रहे थे फीमेल ही होते हैं। मेल एलिफेंट मूव अराउंड अलोन, वो क्या करते हैं, आजू बाजू घूमते रहते हैं, हर्ड के अंदर नहीं आते, तो वो उसमें क्यों एलिफेंट ही क्यों रहते, मतलब हर्ड में एलिफेंट ही क्यों रहते, तो ये उसका रीजन है क्या, ये असर्शन है कि उसमें सिर्फ हर्ड में एलिफेंट फीमेल ही होते हैं, तो क्या उसका रीजन ये सही है, तो ये रीजन सही नहीं है, कुछ और रीजन हो सकता है उसका, बट ये रीजन सही नहीं है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है ना, बट उसका रीजन करेक्ट नहीं है। तो ए आर बी एंड ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आर एक्सप्लेनेशन है नहीं करेक्ट, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो खास वजह बताता नहीं कि क्यों एलिफेंट हर्ड में फीमेल ही होते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा आपका 2 नंबर का। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल दैट लाइंग एग्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जो अंडे देते हैं ना उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा हूं। एक्सटर्नल एयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडीज, जितने भी मेमल्स है, जितने भी मेमल्स है दैट लाइंग हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्या पूछ रहा हूँ, एनिमल दैट लाइंग एग्स, जो अंडे देते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा हूँ। तो एक्सटर्नल एयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडीज, तो एक्सटर्नल हेयर बाल होते हैं उनकी बॉडी पे, और सॉरी एक्सटर्नल एयर बाहर, मतलब उनके बाहर कान निकलते और उनकी बॉडी पे बाढ़ रहते, ये ममल की कैरेक्टरिस्टिक है, और मेमल्स और ये अंडे नहीं देते, ये बेबी को डायरेक्ट बर्थ देते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंटरनल एयर एंड नो हेयर ऑन देयर बॉडीज, उनके इंटरनल हेयर वो आते हैं, इंटरनल कान आते हैं, और उनकी बॉडी पे कोई हेयर नहीं रहेंगे। आप बोलेंगे बर्ड्स हेयर से, वो हेयर नहीं होते, वो फर होते हैं, वो हेयर से अलग होते हैं, तो आंसर यही है, एक्सटर्नल हेयर एंड नो हेयर ऑन देयर बॉडीज, एक्सटर्नल सिर्फ एनिमल को हेयर आते हैं, तो ये भी गलत है, इंटरनल हेयर एंड हैविंग देयर बॉडी, आंसर आपका यही है सिर्फ ओनली। अगला सवाल है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन एलिफेंट हर्ट? एलिफेंट हर्ट के बारे में फिर से सवाल पूछा उसने। देयर हर्ट इज ऑलवेज हैज टू और मोर ओल्ड एलिफेंट इन इट। दो और दो से ज्यादा रहते, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा रहते, 10 से 12 एटलीस्ट तो भी रहते उसमें। तो यहाँ क्या बोला, ऑलवेज हैज टू और मोर ओल्ड मेल एलिफेंट इन इट। तो मेल तो रहती ही नहीं, मेल की बात कर रहा, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ट्रू सवाल पूछ रहा है ना, कौन सा सही है, तो ये सही नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है बी, देयर हर्ड हैज अ ओल्ड मेल एलिफेंट एंड बेबी एलिफेंट। मेल तो रहते ही नहीं इसमें, तो ये गलत है ये भी। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे अटेंड एज 14-15 ईयर ओल्ड। तो हाँ ये बराबर है, 14-15 साल तक मेल रहते, बाद में बाहर निकल जाते। देयर हर्ड हैज अ ओनली फीमेल, है ना, ओनली फीमेल रहते एंड बेबी एलिफेंट। बराबर, दोनों स्टेटमेंट बराबर है, सी डी बराबर है, सी डी की तरह है, सी डी ये है, तो ये आंसर आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल, स्नेक, टर्टल, इसको बहुत बड़ा हो गया, पूरा देखना है तो इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को छुपा देते हैं हम लोग, आपको पूरे स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और आंसर देना है करेक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये स्नेक के बारे में बात है, टर्टल, फ्रॉग और क्रोकोडाइल। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन दी ऑल दिस, मतलब ये जो ऊपर जितने दिए इनके अंदर की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो फाइंड करना है आपको चारों में से, स्नेक में, टर्टल, फ्रॉग और क्रोकोडाइल। तो दे लाइंग एग्स, तो ये सारे अंडे देते क्या, स्नेक भी देता, टर्टल, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ये सारे अंडे देते, तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, ये बराबर है कॉमन। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वॉटर, तो ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते, दोनों ही रहते हैं, ये तीनों तो पक्का रहते हैं। सांप भी रहते हैं क्योंकि बहुत सारे पानी में रहने वाले सांप भी है, तो ये भी है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ स्केल, यस, इन सबकी बॉडी स्केल से कवर करती। ठीक है, उसके बाद में क्या है, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स, आंसर कैसा है। दे हैव, हाँ दे हैव थ्री चैम्बर इनको ऑफ हार्ट, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किनकी, इनकी, कहाँ चल गया, एक मिनट। कंसिडर फॉलोइंग एनिमल, स्नेक, टर्टल, फ्रॉग और क्रोकोडाइल, है ना, ये चार इनकी आपको स्टेट एनिमल के बारे में कंसिडरेशन करना है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा हूँ कौन है ऑल दिस एनिमल। तो पहला इसमें हार्ट, इसके हार्ट का पूछ रहा है, तो इसमें देखो फोर चैम्बर, इसमें क्रोकोडाइल को दे हैव थ्री चैम्बर, सही बात है, सबको थ्री चैम्बर है, पर जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल है ना, उसको फोर्थ रहते, एक्सेप्शन है वो है, बावजूद भी कि वो क्या है, एम्फीबिया है, फिर भी उसको क्या है, फोर्थ चैम्बर ऑफ हार्ट है, जो कि मैमल्स में पाए जाते हैं और बर्ड्स में पाए जाते हैं, है ना। फोर्थ चैम्बर ऑफ हार्ट किस में, क्रोकोडाइल में, हालांकि वो इनकी कैटेगरी में नहीं आता, वो थ्री चैम्बर कैटेगरी में ही आता, बट एक्सेप्शन है इसका, ये एम्फीबिया होने के बावजूद भी मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है इसमें या फिर बर्ड्स की, तो एक्सेप्शन है, इसलिए ये निकल गया, बाकी तो सही है, बाकी सही है, शायद ये आंसर है। उसने नॉट पूछा था कि कौन सा नहीं होता कवर, ऐसा पूछा उसमें। अगले क्वेश्चन पे जाते हम लोग। फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रेस्पेक्टिवली बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स, है ना, लिजर्ड कौन सी क्लास में आता है, बैट, इंडियन, रॉबिन और स्कॉर्पियन, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो पूछ रहा हो। तो लिजर्ड आपको मालूम है रेप्टाइल है ना, तो ये सब निकल गए, लिजर्ड आपको मालूम है वो है ना, रेप्टाइल है ना, ये निकल गए। उसके बाद में बैट्स, बैट्स मैमल आते हैं, दो नंबर पे मैमल्स, मतलब आपका आंसर ये आ गया, ये भी गलत। इंडियन रॉबिन ये क्या आते हैं, ये बर्ड्स है, और स्कॉर्पियन इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े।
सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लोथ. स्लोथ के बारे में ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा अभी यहाँ पर. स्लोथ लिव फॉर 40 ईयर बराबर. एंड इन द टाइम दैट दे मूव अराउंड 50 ट्रीज. 50 नहीं, ओनली 8 ट्रीज मूव करता हूँ. 50 कहाँ से करेगा, 40 साल की तो उम्र है उसकी, उसमें 50 ट्री करेंगे बस 8. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. उसके बाद में स्लोथ लिव फॉर अबाउट 10 ईयर, नहीं 40, ये गलत हो गया. स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर एंड इन दैट दे कैन मूव अराउंड द 8 ट्रीज, ये बराबर है. स्लोथ, खैर आंसर यही है बराबर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थवर्म. अर्थवर्म के बारे में आपको कंसिडर करना है. अर्थवर्म मेक्स ट्यूनल इन द फील्ड विच प्रोवाइड इजी पैसेज वे एयर एंड वाटर इन टू द सॉइल. अभी समझाया मैंने आपको, तो वो ट्यूनल करते हैं और उसके अंदर से क्या होता है आपको एयर, है ना, एयर और वाटर अंदर परकुलेट होता. अभी बात की हमने थोड़ी देर पहले. अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अर्थनिथ, ये भी बात है. वो क्या करता, लूजन बोला मैंने आपको, सॉफ्टन भी करता और लूजन भी करता. तो ये स्टेटमेंट भी बराबर है, ये स्टेटमेंट भी बराबर है. अर्थवर्म सेव द मेन क्रॉप फ्रॉम द वीड्स. देखो वो वीट से कोई सेव नहीं करता, ये बात याद रखो, वीट से नहीं करता. हाँ अगर वीट डेड होगा, डेड हो गया ऑर्गेनिक डेड, तो तब करेगा. तो ये गलत स्टेटमेंट है. द ड्रॉपिंग ऑफ द अर्थवर्म्स फर्टिलाइज द सॉइल, ये भी बराबर है. जो उसका जो ड्रॉपिंग रहता, मतलब जो खा कतर कुतर के डाल देता वो अंदर, तो उससे फर्टिलाइजर होता. मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसको क्या करता, कतर के मिट्टी में मिला देता, उसके टुकड़े छोटे छोटे करके, जल्दी डिकम्पोज होते या सड़ जाते, तो उससे फायदा होता. सिर्फ सी नहीं है, तो जिसमें सी है वो हमारा आंसर नहीं है. तो सी का है, देखो सी यहाँ है तो ये गया, सी यहाँ है ये गया, और तीनों बराबर है. तो आंसर रहेगा फोर्थ नंबर का. ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट. हाँ ज्यादा नहीं लेता हूँ मैं, 9 बज चुके हैं. असल में लाइट नहीं थी आज, इसलिए हो नहीं पाया उतना. ठीक है, तो कल मिलेंगे, कल पूरा घंटा भर लेक्चर लेंगे, पूरे प्लांट्स करेंगे, एक एक चैप्टर अच्छे से डिस्कस करेंगे कल. आज रुकते हैं क्योंकि इंग्लिश का लेक्चर है मेरा अभी, बस एक 5 मिनट में इंग्लिश की लिंक डाल रहा हूँ मैं. तो आप लोग जो भी है, तो इंग्लिश पेपर फर्स्ट सेकंड के लिए दोनों के लिए है, तो आप लोग थोड़ी देर अवेलेबल रहिए. एक 10 से 5 मिनट में मैं फिर से लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना. तब तक क्या करो, आप लोग थोड़ा ब्रेक लो और शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाओ. और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्रिप्शन बहुत कम है. हम लोग 4 साल से काम कर रहे हैं, बट ग्रो नहीं हो पाए. कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो. ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए इजाज़त दो.